मेरी जर्नी ऐसी रही है कि आई एम हियर लास्ट 5 इयर्स, मोर देन 5 इयर्स. आई एम अ ट्रेन थिएटर आर्टिस्ट. आई हैव डन क्लासिकल, कथक एंड ऑल. सो एक थिएटर आर्टिस्ट होने के साथ आपके पास बहुत कुछ होता है करने के लिए, क्रिएटिविटी, क्योंकि आपका एक्टिंग की जो जर्नी है वो थिएटर से ही स्टार्ट होती है. सो आफ्टर थिएटर आई हैव डन तेलुगु फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोज, एड्स, लॉट ऑफ वर्क आई हैव डन दिस लाइक 5-6 years. सो बहुत अच्छी जर्नी रही और बहुत अच्छा लगता है कि आप एक एज एक्टर आप जब काम करते हो तो आपके पास कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, क्योंकि एक एक्टर की कोई सीमा नहीं होती है, कोई रिलीजियस नहीं होता है. एंड यू आर इन टू योर रोल एंड आई एम ग्लैड एंड आई एम ब्लेस्ड कि गॉड ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी दैट एज एन एक्टर वर्क करने के लिए. आई एम वेरी हैप्पी टिल नाउ. दीपक शर्मा जेलर के साथ आपका एक सॉन्ग भी आ रहा है जो काफी इसके बारे में चर्चा है और काफी कंट्रोवर्सी भी हो रही है, बट ये सब चीजें चलती रहती है. एंड ही इज अ वेरी गुड मैन, ही इज अ वेरी जेंटलमैन एंड बहुत अच्छा सॉन्ग है, हरियाणवी सॉन्ग है. उसमें काफी कुछ परफॉर्म करने का मौका मिला मुझे, क्योंकि लिरिक्स भी याद करना था तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी. आई डोंट नो दैट मच हरियाणवी लैंग्वेज, बट बहुत अच्छा रहा सॉन्ग. सर के साथ शूट करके भी अच्छा लगा. हाँ, उनके साथ कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, बट आई हैव नॉट दैट मच आइडियाज, क्योंकि पुलिस हो या एक्टर हो या कोई भी जो बड़े डिपार्टमेंट में और इन चीज़ों पर चले जाते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती है. बॉलीवुड में कहा जाता है कि कंट्रोवर्सीज जो है एक पार्ट ऑफ प्रमोशन है, तो आप क्या कहेंगे इस कंट्रोवर्सी? मुझे नहीं लगता है ये, एक्चुअली आई हैव नो क्लू, बट मैं यही कह सकती हूँ कि हमारा सॉन्ग बहुत बड़ा हिट होगा द वे वी वर शूटिंग. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. तमिल के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं आपके? हां, तेलुगु प्रोजेक्ट हमने किया. यस यस, सो आई हैव डन टू प्रोजेक्ट्स इन तेलुगु फिल्म और एक दो प्रोजेक्ट लाइन अप है. इसके अलावा एक बहुत अच्छी मूवीज आ रही है जिसमें मिस्टर गोपाल बजाज जी हैं और काफ़ी FTI और ST के उस पर एक्टर्स हैं, तो बहुत ही अच्छा रहा उनके साथ काम करके. और मे बी वो बहुत अच्छी OTT पे और थिएटर रिलीज होगा. मुझे विद्या बालन जी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है. एक्टर में आई थिंक आई लाइक रणबीर कपूर. हिज एक्टिंग स्किल्स टू मच लाइक वेरी ऑनेस्ट विद हिज एक्टिंग स्किल्स. आई लव इट. हु इज दैट डायरेक्टर जिनके साथ आपका ड्रीम है काम करने? ऑफ कोर्स संजय लीला भंसाली जी हैं, काफी अनुराग कश्यप जी हैं जो रियलिस्टिक चीज़ों पे चीज़ें काम करते हैं. आजकल तो हमारी सिनेमा बहुत रियलिस्टिक हो गई है, कोई ड्रामेटिक चीज़ें नहीं होती हैं, तो जिसके साथ भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने के लिए मैं करना चाहूँगी. कोई रियलिटी शो वगैरह में जाना चाहेंगे? जी, रियलिटी शोज में नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगी, मुझे आया हुआ था, बट मुझे एज एक्टर बस आई जस्ट वॉन्ट टू डू माई एक्टिंग लाइक शो ऑन अ डिफरेंट कैरेक्टर्स, तो मुझे रियलिटी शोज में कोई इंटरेस्ट नहीं. थैंक यू सो मच. And the best of luck. Thank you so much for all of you. Me interview करके बहुत अच्छा लगा and I'm blessing and my best wishes with you all. Thank you so much. Thank you.